हाय गाइस, दिस इज मिस मानली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक मतलब फिर अब्दुल्ला भाई के पास मौजूद हूँ। इनकी शॉप का नाम है टेक्नोफाई। आज अब्दुल्ला भाई ये ग्राफिक कार्ड का स्टॉक न्यू है इनके पास, ये दिखाएंगे, इनकी प्राइस, इनकी डिटेल आपको सब कुछ समझाएंगे। आइए अब्दुल्ला भाई से पूछते हैं कि ये कौन से कार्ड है, इनकी क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल अब्दुल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गए थे इतनी देर बाद? गायब तो आप हो। अच्छा, ये बताएं कि आज इस वीडियो में कौन से ग्राफिक कार्ड दिखाएंगे? इसमें हम दिखा रहे हैं 1GB से लेके 4GB तक के कार्ड है जी, जो इस टाइम इन डिमांड है और इनके रेट बहुत कम हो गए हैं। हाँ, पहले से सुने बहुत ही मुनासिब रेट हैं। अब यही बेस्ट टाइम है, क्योंकि ना मुझे काफी बच्चों के भी मैसेज आ रहे थे कि हमने, यानी कि छुट्टियां वगैरह आ रही हैं, समर वेकेशन आ रहे हैं, तो हमने पीसी वगैरह बिल्ड करना है, तो प्राइसेस की अपडेट है, तो आप प्लीज एक वीडियो बना के ना हमें गाइड कर दें। और लोग अभी भी वैसे बेचते हैं महंगा यहाँ पे, लेकिन इस टाइम वाकई रेट काफ़ी नीचे आ गया, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो आप पहले रेट कंफर्म कर लें, फिर इस तरह के लोगों से रब्ता करें। ठीक हो गया अब्दुल्ला भाई, आज जो आपको रेट देंगे वो पूरी मार्केट से कम रेट है, और आपको डिस्काउंट भी देंगे, और पहले 5 कस्टमर को डिलीवरी भी फ्री है। जी जी, ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला ये कार्ड दिखाते हैं। ये हमारे पास GTX का ये कार्ड है जी, 745। ये 4GB DDR5 128 bit होता है, और ये काफी हमारे पास पीस थे, तकरीबन इस टाइम हमारे पास सिर्फ 2-3 पीस बचे हैं। ये बहुत डिमांड में से हमारे पास कस्टमर्स ने लिया है, इनका काफी अच्छा फीडबैक रहा है। ये 4GB में आपको DDR3 मिल जाता है, यानी कि जिस भाई के पास कोटेड हुआ लेकिन उसको VRAM ज्यादा चाहिए, लेकिन कम बजट में चाहिए, ये 4GB का कार्ड आपको मिल रहा है। ये भाइयों को सिर्फ मिल रहा है 7,000 रुपए में, सिर्फ 7,000। ठीक है, इसकी वारंटी क्या दे रहे हैं इनकी? हम दे रहे हैं 15 डेज की वारंटी देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये छोटा नॉर्मल 1GB का कार्ड है, ये इसकी प्राइस तकरीबन 1700 रुपीज चल रही है। ठीक है, और ये 1GB का 64 bit का कार्ड है, तो ज्यादातर लोग ने इसको ज़ियोन वगैरह में डिस्प्ले के लिए, या फिर जो जिन्होंने बहुत ही बेसिक लेवल पे डेस्कटॉप के अंदर भी लगा के कार्ड को ना GTA San Andreas वगैरह खेल ली, इस तरह की गेम्स खेल ली, ये उनके लिए बेस्ट है, कॉल ऑफ ड्यूटी थोड़ी वो खेल ली। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड ये आ जाता है, ये हमारे पास आया था GTX 460। ये भी हमारे पास लास्ट टाइम वीडियो में आपको बताया था क्वांटिटीज थी, इस टाइम तकरीबन थोड़ी पीस रह गए इनके भी। ठीक है, ये इस टाइम उस्मान भी सबसे अच्छा कार्ड है 1GB की कैटेगरी में, क्योंकि 256 bit 1GB DDR5 का कार्ड है। अच्छा, और हमने पर्सनल इसके ऊपर बेंचमार्क टेस्ट किए हैं, ये आपको 1080p सेटिंग के ऊपर 50+ GTA 5 पे ये देता है, हाई सेटिंग के ऊपर 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर ये टावर में लगा। हाँ जी, ये अगर मीडियम स्पेक में आप इसको चला रहे हैं तो आपको 60 FPS GTA वगैरह जैसी गेमों में इजीली ये देता है आपको। ठीक जी, क्या प्राइस इसकी दे रहे हैं? ये हम दे रहे हैं 7000 का ये भी। ठीक है, इसको पावर सप्लाई कितनी रिक्वायर है? इसको 300 भी इनफ है, स्टैंडर्ड जो हमारी होती है। उसके बाद ये कार्ड आ जाता है, ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास इसी कैटेगरी का कार्ड है, GTX 560 मॉडल है इसका जी, ये भी 1GB का कार्ड ही होता है, और ये भी काफी डिमांड में रहा है। ये आप असूस में ना, असूस में है, डुअल फैन है, जरा लुक में भी अच्छा है, यानी कि कह नहीं सकता कोई बंदा कि यार ये 1GB का कार्ड है। अच्छा, उस लिहाज से भी ये काफी अच्छा है। ये हमारे व्यूवर्स को मिल जाएगा 7,500 रुपए का, 7,500 में। ये बच्चों के लिए सिर्फ, जिन्होंने लेने थे, इनकी डिमांड थी, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट करके ये रेट उतार रहे हैं, और इंशाल्लाह रेट इतने अच्छे होंगे कि कहीं और से नहीं मिलेंगे इस टाइम पे ये रेट। ठीक हो गया, उसके बाद ये कार्ड आ जाता है, ये GTX 480 कार्ड है जी, 1.5GB 1.5GB का कार्ड होता है जी, 384 bit होते हैं, जो एडिटर्स वगैरह लोग हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि इसमें क्यूडा कोर्स बहुत ज्यादा है जी जी। और ये अच्छी से अच्छी आपके ब्लेंडर टाइप, प्रीमियर प्रो, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पावर सप्लाई कितनी रिक्वायर है? बड़ा 500। हाँ जी, 500। ठीक हो गया, ये हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं 10,500 में, 10,500। हाँ जी, ठीक है, उसके बाद ये कार्ड आ जाता है, ये हमारे पास GTX 650 है जी, और ये 2GB DDR5 128 bit का कार्ड है जी जी। ये सिंगल फैन में हमारे पास, ये हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं इस टाइम पे 14,000 का, 14,000 में जी जी। ठीक है, और काफ़ी लोग कहते हैं कि यार इस तरह ग्रुप्स वगैरह में ना आपको ज़्यादा कम प्राइसेस मिलती हैं, तकरीबन 2-3,000 रुपए का फर्क आया था जी जी। तो क्या इशू होता है कि आप लोग इतनी प्राइसेस दे रहे हैं? तो ये होता है कि इन लोगों ने पहले शॉपकीपर से खरीदा होता कार्ड, आज से 1-2 साल पहले, वो लोकल यूज भी करते हैं उसको, बाद में 1.5 साल तो फिर उसका 2-3 हज़ार रेट गिनना तो बनता है, इस्तेमाल शुदा वो इस्तेमाल शुदा होते हैं, वो बाहर से पहले चल के आते हैं फिर इधर चल के आते हैं, तो उनका 2-3 हज़ार हमसे रेट कम ही होगा, लेकिन ये आपका ओवरऑल फुल फ्रेश इंपोर्ट है, हम तो इंपोर्ट के स्टिकर तक नहीं उतारते, यानी कि जो डायरेक्ट इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट आती है जी, उसी तरह हम करते हैं, हम इंपोर्ट का स्टिकर तक नहीं उतारते, हमारे पास स्टिकर लगा था कि कस्टमर का ये ना कहे कि यार लोकल यूज है, अगर लोकल यूज चीज होती है तो हम उसका रेट लोकल यूज वाले ही देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड ये आ जाता है,
ये हमारे पास 660 TI PNY का एडिशन है, ये जी 2GB DDR5 192 bits में ही आता है, ठीक है। इसकी 750 Ti से थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा कार्ड है, ये इस टाइम मार्केट जो इसकी वैल्यू लोग 20 तक सेल इसको कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने कस्टमर्स को ये 18,000 रुपए में दे रहे हैं, 18,000 में जी, ठीक है। उसके बाद सेकंड कार्ड कौन सा है नेक्स्ट? उसके बाद हमारे पास आया था ये 770 GTX का जी, ठीक है। ये हम दे रहे हैं 18,500 में, ये 2GB 256 bit में होता है। ये कार्ड की आप कंडीशन चेक कर लें, लुक भी आपको पता लग जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सील्ड कार्ड है, सील तक नहीं खुली अभी तक इस कार्ड की, ये फ्रेश इम्पोर्ट है। और ये देखिए स्टीकर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ये आपको हम दे रहे हैं 18,500 में जी जी, और ये 256 bit में आता है NVIDIA का। हमारे पास 660 का भी स्टॉक आना है इंशाल्लाह थोड़े दिन तक, दोबारा प्राइसेस अपडेट करेंगे। और काफी जो इन डिमांड था वो था हमारे पास 560 और 1060, ये दो कार्डों की इतनी डिमांड थी, कस्टमर्स कहते हैं इनका स्टॉक का बार है, स्टॉक का बार है। विद इन 1 or 2 weeks हमारा आ जाना स्टॉक, इन स्टॉक होगा और उसकी प्राइस इंशाल्लाह इतनी देंगे कि आपको ओवरऑल पाकिस्तान में कोई नए कार्ड्स की इतनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा जितनी हम आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड कौन सा अब्दुल्ला? उसके बाद हाईली डिमांडेड कार्ड है 960, बहुत डिमांड में था ये भी, 6 pin रिक्वायर्ड है इसको, ये सिंगल फैन एडिशन है जी जी। इस टाइम इसकी राउंड अबाउट कोई 21-22 का लोग सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कस्टमर को ये सिर्फ 19,000 rupees में दे रहे हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो क्या परफॉर्मेंस देगा? परफॉर्मेंस इसकी जो है वो तकरीबन कह लें एक तरह का जो 560 4GB का कार्ड है ना AMD का, लोग उसके साथ इसको कंपेयर करके करते हैं, क्योंकि उसी कैटेगरी में इसकी ना प्राइस भी रहती है ज्यादातर आप देखें तो। उसके बाद हम आ जाते हैं सिंगल फैन ही 760 हमारे पास, ठीक है। GTX 3GB का ये कार्ड है जी जी, और 192 बिट में कार्ड है, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये भी प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ कस्टमर को हम 20,000 rupees में इस टाइम दे रहे हैं ये वाला, हाँ जी ठीक है। ये हमारे पास पहले भी पीस पड़े हुए थे, कस्टमर्स को हमने 22 तक भी बताया आई थिंक, लेकिन इस टाइम रेट नीचे आ गए हैं तो ये हो जाता है। मे भी हो सकता है कि डॉलर प्राइजेस इफेक्ट करें, अभी इंपोर्ट बंद कर दिए शायद हो, लेकिन हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन हमारा ये सीन नहीं होता कि जब फोन के तो प्राइजेस बढ़ गई, ये जो इस टाइम हमारे पास स्टॉक पड़ा है इसकी मैंने प्राइस बता दी है, इतने पे ही सेल आउट होगा, हाँ, चाहे हफ्ते बाद चाहे जितनी जब तक पड़ा है स्टॉक, ये वाला स्टॉक है यही प्राइस होगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं, मतलब हाईली डिमांड कार्ड है जिस तरह आपको बताया 560 RX 560 है, ये फायर एडिशन हमारे पास पड़ा हुआ इस टाइम, 4GB DDR5 128 bit का कार्ड है। और मार्केट में इस टाइम इसको लोग तकरीबन 23 का सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने कस्टमर्स को ये तकरीबन 22 में दे रहे हैं, ठीक है, गुड। और विद अगर बिल्ड लेंगे तो शायद हम उनको और डिस्काउंट कर दें अकॉर्डिंग टू देयर पीसी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, गेमिंग पीसी बिल्ड कब वीडियो आ रही है आपकी? वो इंशाल्लाह आ रही है, हमारे 10 जनरेशन के प्रोसेसर्स और आ रहे हैं, राइजन का हमारा स्टॉक आने वाला इंशाल्लाह थोड़ी देर तक, बाकी चीजें भी आ रही हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं, उसके बाद 560 के मुकाबले कहीं तकरीबन आया था लेकिन जरा थोड़ा सा अच्छा है, 1050 Ti, ठीक है, 1050 Ti 4GB DDR5 128 bit ही होता है ये। इस टाइम भी उस्मान भाई लोग इसको ना 30,000 रुपए का सेल कर रहे हैं, अच्छा, यानी कि इतने लोग वगैरह थे कि वो लूट रहे हैं एक तरह के लोग, ठीक हो गया। ये हम अपने कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ 29 दे रहे हैं और विद बिल 28 में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट कार्ड कौन सा है? काफी लुक अच्छी है इसकी। ये है जी हमारे पास फाउंडर एडिशन, सबसे प्यारा कार्ड है, GTX 690 600 सीरीज की 9th gen है ये, और सबसे हाई एंड क्लास लगा हुआ है जी। और ये 4GB का कार्ड है, 384 bit का कार्ड है, ठीक है। ये जो एडिटिंग वगैरह वाले हैं जिनके पास 600 W की पावर सप्लाई है, उस कार्ड ये वो यूज करेंगे उनको इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस देगा ये कार्ड। अच्छा, ये 9th gen है एक तरह की 600 सीरीज की, और ये बहुत कमाल है। कंडीशन चेक कर लें, कंडीशन आप चेक कर लें, फ्रेशली इम्पोर्ट है, कोई नहीं कह सकता कि ये लोकल यूज है। ये ग्रीन लाइट है, इसके ग्लो होती है, अच्छा, ये RGB, हाँ, ये ग्लो लाइट होती है, यानी कि बहुत प्यारा कार्ड है। मेन चीज प्राइस बता दें फिर इसकी। ये प्राइस सिर्फ इसकी 25,000 दे रहे हैं, सिर्फ 4GB 384 bit का कार्ड है और हम इतनी दे रहे हैं। हमारे पास R9 सीरीज के भी कार्ड आ रहे हैं, वो भी 256 bit है, वो भी कस्टमर को बता दें कि उनकी प्राइस भी 25,000 rupees हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो भी नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं, RX 470 हमारे पास अगला कार्ड जी। हमारे पास सफायर में XFX में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ही पड़े थे कार्ड, इस टाइम भी पड़े हैं तकरीबन हमारे पास कोई 20 pieces लेफ्ट रह गए होने इनके मिक्स में, ठीक है। ये हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं 26,500 में, 26,500, हाँ जी, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक 30 रेट बताया था कि 28 बताया था, लेकिन प्राइसेस इस टाइम कम हो गई हैं, जो अभी भी महंगा बेच रहे हैं तो ना लें प्लीज, अगर आप रेट चेक कर लें, रेट चेक कर लें फिर लें।
चीज भी देखे, रेट भी देखे, कंडीशन देखे उसकी। फिर इसी का बड़ा भाई RX 570 4GB DDR5 256 bit माइनिंग में बहुत यूज होते हैं ये कार्ड इस टाइम माइनिंग के लिए, तो इनके भी जारी बात है रेट थोड़े से ना ड्रॉप हुए हैं वक्ती तौर पे, लेकिन अभी कस्टम वगैरह हमें देखना पड़ना है कि अगला क्या शिपमेंट है। ये जो मेरे पास इस टाइम 15-20 पीस पड़े हैं इनका यही रेट होगा, ये मेरे भाई इनको 28 में फाइनल मिलेंगे, 28 में फाइनल मिलेंगे इनको। ठीक हो गया, ये फायर वेंडर हो जाए, ASUS हो जाए, XFX हो जाए, मिक्स वेंडर्स हैं। RTX सीरीज भी हमारी इंशाल्लाह स्टॉक में आने वाली है इंशाल्लाह इसके। और सुबह नेक्स्ट कार्ड कौन सा है? उसके बाद आया था हमारे पास उससे भी उसका बड़ा भाई, अच्छा RX 584GB। ठीक है, ये भी 4GB 256 bit है, ये बहुत डिमांड में और नहीं मिलता ये हमारे पास भी इस टाइम। काफी पीस है, कोई 7-8 पीस है इस टाइम, 2 पीस पड़े हैं मैक्सिमम, यानी कि 7-8 पीस में 2 रह गए। लोग इसको अभी भी 35-36 का बताते हैं, लेकिन ये हमारे कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ 33,000 रुपीज में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है अब्दुल्ला भाई, ये लास्ट में जो कार्ड है पैकिंग में, जी जी, ये बताएं, ये भी फ्रेशली इम्पोर्ट ही है, लोकल यूज नहीं है हमारे पास आया, GTX 980 है जी ये। और इसकी परफॉर्मेंस कह लें, आप कंपैरिजन कर लें किसी से, कहा भी कर लें, 1060 से थोड़ी सी परफॉर्मेंस आप दे देता है, जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च की थी, लोग इसको कंपेयर करते हैं 1070 के साथ, इतना 1060 के बराबर ही परफॉर्मेंस देता है आपको। लेकिन ये 256 बिट में 4GB आता है, 3GB 192 बिट होता है। ठीक है, ये भी 8 जेन का है, यानी कि एक तरह का जो 1080 है तो 900 सीरीज में 980 है, उस लिहाज से इसका कंपैरिजन होता है आपस में। ठीक है, तो ये हम अपने कस्टमर को सिर्फ 36,000 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं। लोग अभी भी इसको 40-42 तक का भी सेल कर रहे हैं, लेकिन हम इसको 36 में अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। ठीक, विद बॉक्स। अच्छा अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले तो 5 कस्टमर को डिलीवरी फ्री देनी है जी जी वो, और ये बताएं गिव अवे कब आ रहा है आपका? गिव अवे हमारा इंशाल्लाह अगला स्टॉक आ रहा है, सारा स्टॉक आएगा इंशाल्लाह। हमारी कोशिश यही है कि या फिर हम एक आधी बिल्ड गिव अवे कर दें फुल, या फिर एक कार्ड हम जो अच्छे वाला होगा ना गेमिंग, वो हम उसको गिव अवे करें। लें जी, ये आपने लाजमी याद रखना है कि नेक्स्ट जब हमारी बिल्ड, जब वीडियो आएगी ना ग्राफिक कार्ड का स्टॉक आएगा, या तो अब्दुल्ला भाई का कहना है कि बिल्ड हम मुकम्मल जो है ना वो गिव अवे कर देंगे, या फिर ग्राफिक कार्ड को अच्छा वाला वो गिव अवे करेंगे। और बाकी ये आज की वीडियो थी, अब्दुल्ला भाई ने ग्राफिक कार्ड आपको दिखाए, इनकी प्राइस, इनकी डिटेल बताई है। अगर आप खरीदने में इंटरेस्ट हैं तो ज़रूर इनसे रब्ता करें, इनका नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नंबर वीडियो के ऊपर भी शो हो रहा है। बाकी रेट्स इन्होंने आपको बताए हैं, आप मार्केट विजिट करें। ठीक है, इनकी शॉप फैसलाबाद रेक सिटी में है, सत्याने रोड में, टेक्नोफाई शॉप का नाम है, और ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यही थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।